पाकिस्तानी हुकूमत से मुतालबा किया है कि जी लेकिन हमें भारत ना भेजें। हसन साहब, आप भारत से पाकिस्तान समंदरी हदूद के जरिए पहुँचे या फिर ज़मीनी रास्तों से पहुँचे? कराची पहुँचने के बाद फिर आपको कोई डर नहीं लगा कि कोई सिंध पुलिस या कोई इधर उधर पकड़ लेंगे? अरे होटल गए, उन्होंने मना कर दिया था, पुलिस के पास चले गए। आपको बोले जी आप तो यहाँ पर रह ही नहीं सकते हो, आप दोबारा इंडिया जाना पड़ेगा आपको, फिर आप क्या करेंगे? क्या कहेंगे? वही कहेंगे जो मैंने आपसे कहा कि भाई आप मुझे और क्या कर सकते हैं। गुज़िश्ता चंद महीनों से हम देख रहे हैं कि कोई भारत जा रहा है तो कोई भारत से पाकिस्तान आ रहा है। ऐसे ही दो बाप बेटे हैं जो भारत से पाकिस्तान आए हैं, और ये पाकिस्तान किस तरीके से पहुंच गए और प्रेस क्लब पे इन्होंने एहतजाज किया और ये मुख्तलिफ इदारों में गए कि भाई हम भारत से पाकिस्तान आए हैं, वो भी गैर कानूनी तरीके से, हम चाहते हैं कि आप हमें जो है वो जो भी इनके शिकवे थे वो इन्होंने बताए और हम किस तरीके से यहाँ पहुँचे। सारी रुदात इन्होंने सिक्योरिटी इदारों को इन्होंने सुनाई और उसके बाद जाकर अब ये ईदी ओल्ड एज होम पहुँचे। बताइएगा हसनैन साहब कि ऐसा क्या हो गया कि आपको इंडिया छोड़ के, यानी कि भारत को छोड़ के आपको पाकिस्तान आना पड़ा, और कैसे आप मतलब इस तरीके से पाकिस्तान पहुँच गए? क्या पाकिस्तान पहुँचना इतना आसान है भारत के लिए? देखिए, भारत के अंदर मुसलमानों के जो हालात हैं वो किसी से मख्फी नहीं है, पोशीदा नहीं है, लेकिन वो जो रिपोर्टिंग होती है वहाँ पर वो 95% केसेस की नहीं हुआ करती है। अच्छा। हाँ, बहुत थोड़ा सा आपको फिल्टर होकर आपके सामने आता है। हाँ। इसलिए कि वहाँ का जो मीडिया है वो पूरी तौर पर फिरका परस्त ताकतों के साथ है। पहले भी होती थी लेकिन पहले थोड़ा सा पर्दा था, लेकिन जब से आरएसएस की हुकूमत, भाजपा की हुकूमत बरसर इख्तदार आई है, वो पर्दा नहीं रहा है और अब ये चीज़ आम लोगों के अंदर घुस गई है, जो कि पहले आम लोगों में नहीं थी, आम लोगों में घुस गई है। आम आदमी भी पूछने लगा है, क्या नाम है तेरा, अपना आई कार्ड दिखा, क्या करता है तू, इधर किस लिए घूम रहा है, यहाँ पर तेरा कौन सा जानने वाला है। आप सोचें, आप एक स्ट्रीट पर खड़े हैं, एक रास्ते पर खड़े हैं, किसी कॉलोनी के रास्ते पर खड़े हैं, आप किसी के घर में झाँक नहीं रहे हैं, आपसे इस तरह के सवाल होंगे, आपके दिल पर क्या गुजरेगी? ये एक बड़ा वैलिड सवाल है। तो आप जब यहाँ पे पहुँचे, मतलब आप दिल बर्दाश्त हो गए कि जी भारत में तो हमारा कोई अब गुजारा ही नहीं है, मतलब यहाँ तो मतलब तंग कर दी है ज़मीन हमारे लिए, तो आपने ज़ाहिर पाकिस्तान पहुँचना इतना आसान तो नहीं है, तो आपने ऐसा क्या सोच लिया कि जी पाकिस्तान में ही पहुँचना है, किसी दूसरे मुस्लिम ममालिक में चले जाएँ, कि वहाँ पहुँचना इतना आसान नहीं था? पाकिस्तान तौर पर हिंदुस्तानी मुसलमान की पाकिस्तान से वाबस्तगी रही है, इस बात को आप जानते हैं। इसके अलावा हिंदुस्तानी मुसलमानों ने तख्लीक पाकिस्तान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया है। तहरीक पाकिस्तान जब शुरू की गई हज़रत क़ायद आज़म के ज़माने में, तो हमारे आबाओ अजदाद ने बहुत आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तो उसकी सज़ा भुगत रहे हैं हम लोग वहाँ पर। तो हमारा मुँह बनता है, हम कह सकते हैं, हमारी बात मानी जाए ना मानी जाए, लेकिन सुननी तो आपको पड़ेगी ना कि साहब हम इस मुसीबत में पड़े, हमें बचाइए। तो ये सोच करके हमने पाकिस्तान का रुख किया कि हम जाएँगे, अपने भाइयों से कहेंगे कि भाई पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, ये इस्लाम के नाम पर बना है, मुसलमानों के लिए बना है, बर्रे सगीर के मुसलमानों के लिए बना है। बर्रे सगीर के हर मुसलमान का हक है कि वो पाकिस्तान से में जाकर फरियाद करे, अपनी बात कहे, अपनी परेशानियों का जिक्र करे। तो हसन साहब, आप भारत से पाकिस्तान समंदरी हदूद के जरिए पहुँचे या फिर ज़मीनी रास्तों से पहुँचे, क्या किस तरह आपने रास्ता इख्तियार किया? हम वहाँ से नई दिल्ली से अबू धाबी पहुँचे बजरिए हवाई जहाज़, ठीक है, वीज़ा लेकर, इंडियन वीज़ा लेकर, हाँ, इंडिया से वीज़ा लेकर के हम आए। फिर यहाँ पहुँचने के बाद दो दिन रुक करके हमने, दो या तीन दिन रुक करके जो अफ़गानिस्तान की एम्बेसी, उससे रब्ता कायम किया और उनसे वीज़ा मांगा, तो उन्होंने वीज़ा दे दिया हमें। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी, वीज़ा दे दिया उन्होंने पूरे अफगानिस्तान के लिए, वो वीज़ा वैलिड था, हम कहीं भी जा सकते थे। फिर हम अफगानिस्तान पहुँच गए, अफगानिस्तान के शहर काबुल में हम रहे दो तीन दिन, पता चला कि साहब ये जो तोरखम का रास्ता है, इधर तो आप सोच भी नहीं सकते, हालात बड़े ख़राब हैं, झड़पें हो रही हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जो अफगानिस्तान का इलाका, वहाँ अफगानिस्तान का रुपया नहीं चलता, पाकिस्तान का रुपया चलता। अच्छा जी, वो जो भी बताते हैं पाकिस्तानी करेंसी में बताते हैं। अच्छा। इससे हमें नुकसान भी हुआ, हम समझते थे अफगानी करेंसी है, अफगानी करेंसी तो ऊँची है, वो तो 2-3 रुपये की बनती होगी, तो उससे हमें नुकसान भी हुआ। आसान है अफगानिस्तान से, मतलब आप यहाँ तक पहुँच गए, किसी ने कोई डॉक्यूमेंट नहीं? आसान नहीं है, आसान नहीं है। अच्छा। लेकिन फिजिकली बहुत मुश्किल है, टेंशन भी रहता है। अच्छा। हाँ, बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आप पाकिस्तान में दाखिल हो जाते हैं तो वो सारी टेंशन दूर हो जाती है ना, आपको एक मंजिल मिल गई। हालांकि पाकिस्तान में दाखिल होने के बावजूद मसाइल थे, हम जब चमन में पहुँचे तो हमसे कहा गया कि भाई आपको कहाँ जाना है, मैंने कहा जी हम कराची जाना चाहते हैं,
तो कराची के लिए आपको क्वेटा जाना पड़ेगा, तो हमने क्वेटा के लिए गाड़ी की, टैक्सी वाले ने 10,000 रुपये लिए। फिर क्वेटा में बस वालों से बात की तो वो बोले कि साहब आपके पास शनाख्ती कागजात नहीं, हम नहीं ले जाएंगे। फिर मैंने टैक्सी वालों से कहा कि भाई हमारे लिए कुछ करो, सोचो। तो एक टैक्सी वाला आया, उसने कहा जी हमारे पास एक ड्राइवर है जो इस रूट पर चलता रहता है, ठीक है, तो इस रूट की तमाम चीज़ों से वो वाकिफ़ है, उसको आने जाने का किराया दे दें, 5,000 रुपये वो मांगता है, आप दे दें 5,000। इंडिया से दुबई गए, दुबई से अफगानिस्तान गए, अफगानिस्तान से क्वेटा, और क्वेटा से फिर आप कराची पहुंचे। तो इस पूरे दौरानिए में आपका सफ़र किस तरह गुजरा, कितनी सख्तियां आपको जो है वो सहनी पड़ी? जाहिर है हम तो सिर्फ सुन रहे हैं दुबई, अफगानिस्तान, क्वेटा, कराची। जब हम क्वेटा से, क्वेटा में उससे बात कर रहे थे तो फिर हमारा एक किराया तय हुआ कि साहब 25,000 रुपये हम किराया लेते हैं कराची का, लेकिन चूंकि उधर से हमें खाली आना पड़ेगा तो 20 और लेंगे। सही है। वो 17 पे बात हो गई, 25, 17, 42। सही है। और 5,000 रुपये इसको दे दीजिएगा, 47। हम दोनों आगे बैठेंगे, आप दोनों पीछे बैठिए, आपका सामान पीछे होगा। सही है। ठीक है, आपका ताल्लुक चूंकि आप सूरत से पठान नहीं लगते, इन दिनों पठानों को लेकर मामला थोड़ा सा गर्म है, ठीक है, आप महाजिर या पंजाबी लगते हैं या सिंधी लगते हैं, तो आप खामोश रहिएगा, पुलिस वाले पूछेंगे नहीं, हमसे बात करेंगे, हम कर लेंगे। ठीक है, हम आपको जिम्मेदारी से अब चौकी तक पहुंचा देंगे और वहां से शहर के अंदर जाने वाली गाड़ी में उठा देंगे। सही है। हमने पूछा भाई हमें कराची ले चलो, बोले नहीं हमारी गाड़ी जाएगी नहीं कराची, कराची तक अब चौकी तक ही जाएगी। सही है। कानूनी चौकी से आप यहां कराची कैसे? फिर उन्होंने हमें गाड़ी में उठा लिया, वो हमें शहर में ले आया। अच्छा, फिर उसके शहर में आने के बाद आपने कौन सी जगह इख्तियार की, चूँकि आपकी कोई रिश्तेदार वगैरह यहाँ कराची में, कोई पाकिस्तान में? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। आपने डायरेक्ट कराची, क्योंकि कराची को क्यों आपने वो किया, मुंतखब किया, इस्लामाबाद भी था? उर्दू आती है, उर्दू बोलने वालों से अच्छा मोहब्बत तो है। आपने कहा कराची शहर बड़ा खूबसूरत है, तो डायरेक्ट वहीं जाना है? जैसे भी है कराची जाना है, कराची जाना है, जैसे भी वो कराची जाना है। तो आप कराची पहुंचे, तो कराची पहुंचने के बाद फिर आपको कोई डर नहीं लगा कि कोई सिंध पुलिस या कोई इधर उधर पकड़ लेंगे, तो कहीं ऐसा नहीं है कि कोई ये फिर क्या बोलेंगे हम, चूंकि ना वीज़ा लिया हमने ना कुछ लिया? आज की बात है, इस इलाके के जो SHO हैं अपने मुआविन के साथ हमारे पास है, ठीक है, उस वक्त मैं सोया हुआ था, मुझे बताया गया, मैं उठ के बैठ गया। SHO थे थाने का सबसे बड़ा अफसर SHO होता है, ठीक है, उन्होंने हमसे 10-15 मिनट खड़े खड़े बात की, वो खड़े रहे हम बैठे रहे, आप अंदाज़ा लगाएं वो खड़े रहे। अच्छा, वो खड़े रहे। सही है। मैं बैठा रहा, उन्होंने कहा नहीं आप बैठे रहिए, बैठ करके बात कीजिए, जो उनको इंस्ट्रक्शन देनी थी उन्होंने दे दी। सही है। वो चले गए। सही है। हिंदुस्तान में अगर किसी मुसलमान के साथ के सामने एक कांस्टेबल अचानक खड़ा हो जाए ना, उसकी जान निकल जाती है, फिर क्या डर है? नहीं, लेकिन आप जब कराची पहुंचे तो मतलब आपने डायरेक्ट ये नहीं सोचा, आपने मतलब पुलिस के पास डायरेक्ट चले गए या किसी होटल पे जाकर ठहरे? पहले होटल गए, उन्होंने मना कर दिया, तो पुलिस के पास चले गए। अच्छा, पुलिस के पास आप गए? हाँ गए, बिल्कुल सारी कहानी बताई। असल में ये कॉन्फिडेंस हुआ हमें पाकिस्तान आने के बाद कि हमारे खिलाफ अगर कार्रवाई होगी तो जाब्तों के तहत होगी ना, कोई जाब्ता होगा, मुल्क का कोई कानून होगा, उस कानून के तहत मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी, जो भी सजा भी देनी होगी तो वो किसी कानून के तहत देंगे ना, ऐसे तो उठा के ले आके गोली नहीं मार देंगे कहीं पर, ऐसे थोड़ी होता है। फिर आप लेकिन इंडिया में तो कुछ भी हो जाता है। फिर गए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने वही कहा कल है साहब हमें आपसे हमदर्दी है, ठीक है, जैसे दुनिया रह रही है कराची के अंदर आप भी रह लें। मैंने कहा जी वो तो हमें जगह नहीं दे रहे, बोले इसमें हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे। हाँ, मैंने कहा हम आपकी नज़रों के सामने रहना चाहते हैं। उनमें से एक अफसर बोला आप हमारी नज़रों में आ चुके हैं। उन्होंने कहा आप हमारी नजरों में हैं, अगर हमको आपकी जरूरत महसूस होगी हम ले लेंगे आप कहीं से भी ले लेंगे, जहाँ आपका जी चाह रहे हैं, क्या बात, हमें जरूरत पड़ेगी हम ले लेंगे, आप फिक्र न करें उसकी। बस आप जहाँ पर हैं मतलब, फिर आपने उनके पुलिस वालों के पास गया, उसके बाद पुलिस ने ही आपको ईदी होम में भेजा? पुलिस ने खुद बताया कि ईदी वाले यहाँ से थोड़ी दूरी पर रहते हैं कारागर में, आप उनके पास चले जाएं, आप अपना केस उनके सामने रखें, इंसानी बुनियादों पर रहम की दरख्वास्त करें, आपके साथ आसानी वाला मामला होगा, आप चलें। अच्छा, आप फिर यहाँ और फिर आसानी वाला मामला हमारे साथ आज तक जारी है। सही है। तो मतलब आप मतलब हर जगह कराची में घूम सकते हैं या सिर्फ ईदी है ओल्ड एज होम तक महदूद है? हम देखिए मामूली तौर पर तो हम यहाँ के लिए हैं, समझे, हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, अगर कोई ज़रूरी काम हुआ, कोई कहीं पर किसी एमनेस्टी के इदारे में जाना हुआ तो फिर हमें ईदी वालों को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ये पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे तब जाएंगे। तो इंडिया क्यों छोड़ा आपने? वहाँ तो आपकी प्रॉपर्टी होगी, वहाँ रोजगार है, वहाँ सब कुछ है। तो नहीं अब, लेकिन रिश्तेदार होंगे। हाँ, रिश्तेदार है, मेरी दो बहनें हैं, मेरी एक छोटी बहन है वो लखनऊ में रहती हैं। तो आप अगर आपको सियासी असैलम एक जो भी मामला होगा, अगर मिसाल ऐसा सियासी असैलम के तौर पर अगर आपको यहाँ पे रिहाइश दी जाती है या आपको दोबारा इंडिया भेजा जाता है,
तो फिर क्या करेंगे आप? खुदा के लिए इंडिया तो मत भेजो यार, अल्लाह के वास्ते आपसे इस्तेदा करता हूँ, ऐसी बात ना करें आप, इसी मुल्क में रहने दें। लेकिन ये है, तकलीफ की बात है कि जाहिर है कि हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी, नहीं फिर भी मतलब एक मिसाल दे रहा हूँ ना जी, चूँकि आप तो इंडिया से पाकिस्तान आए, वो भी गैर कानूनी तरीके से। अगर मिसाल है, अगर आपको बोले जी आप तो यहाँ पे रह ही नहीं सकते हो, आप दोबारा इंडिया जाना पड़ेगा आपको, फिर आप क्या करेंगे? क्या कहेंगे? वही कहेंगे जो मैंने आपसे कहा कि भाई आप और क्या कर सकते हैं, आप मुझे क्या सज़ा दे सकते हैं? मैक्सिमम यही कर सकते हैं ना कि सज़ाए मौत दे दें। आप एक जाब्ते के तहत देंगे, वहाँ की तरह नहीं कि मैं जा रहा हूँ पीछे, ऐसा नहीं होगा। ये एक फ़र्क है, मुसलमानों के लिए वो कोई मुल्क नहीं है, जेल खाना है। हम एक जेल खाने से निकल कर यहाँ पर आए हैं। अफनान साहब, आपके वालिद से तो हमारी गुफ्तगू हुई, आप इंडिया में आपको पता है करेंसी के रेट क्या है और पाकिस्तान में करेंसी के रेट क्या है। इंडिया में 3.5-4 रुपये के करीब है और इधर आपको पता है पाकिस्तान में 30,000 रुपये इंडियन करेंसी अगर मिलाओ तो यहाँ पे 1,00,000 रुपये से ऊपर की कहानी निकलती है। तो आपने ये नहीं सोचा यार इंडिया में अगर मैं रहूँगा तो अच्छा खासा कमा लूँगा, पाकिस्तान में अगर आऊँगा तो फिर जो 30,000 रुपये इंडियन करेंसी है वो मुझे 1,00,000 से ऊपर जो है वो, और या तो वैसे भी पाकिस्तान में आपको पता है रोज़गार और सारी चीज़ें, किस तरह आपने मतलब फ़ैसला कर लिया कि जी पाकिस्तान ही मुझे आना है? देखिए, हमें इज़्ज़त प्यारी थी इसलिए हमने ये फ़ैसला किया है। अगर पैसा प्यारा होता तो उधर ही रुकते, और भी लोग हैं, ज़िल्लत की ज़िंदगी जीते और क्या है। बस वहाँ क्या रोज़गार था आपका, वहाँ क्या काम करते थे? और भी दोस्त यार होंगे, आपने उन दोस्त यारों को बताया था कि मैं बस निकल जाऊँगा, अब उसके बाद कोई आपसे मुलाकात नहीं होगी, बस अल्लाह हाफिज़, अब जो भी होगा वो अल्लाह जाने और हम जाने? नहीं, खैर यार, दोस्तों को किसी को हमने नहीं बताया, रिश्तेदारों में भी नहीं बताया, ना पड़ोसियों को बताया, बस चुपचाप चल पड़े हम, काम छोड़ा और चल पड़े। अच्छा जी, जो पैसे थे हमारे पास 3-4 लाख रुपए 5 लाख रुपए वही बस वही लेकर के चले। तो आपकी अपनी रजामंदी थी, ऐसा नहीं है वालिद के कहने पे जो है वो निकल गए, और आपने बोला नहीं कि ये इतना बड़ा रास्ता है, फिर हम दुबई जाएंगे, फिर अफगानिस्तान जाएंगे, आपकी उम्र फिर किस तरीके से आप जो है वो ये सह पाओगे? रास्ता तवील रास्ता है, खुदा ना खास्ता डर लगता है किसी और मुल्क में जाना और फिर वहाँ पकड़े गए तो फिर वो एक अलग मसला। देखिए, हम तमाम तैयारियों के साथ चले थे, मौत वहाँ पर भी आनी है, यहाँ पर भी आनी है, मौत से तो बचना नहीं है। दूसरा, वालिद साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी देखी है, कितने जुल्म सितम हुए हैं। ये सोशल मीडिया का ज़माना था, इसमें हर चीज़ सामने आ रही थी, खुद हमारे साथ ज़्यादती हुआ है, मेरे वालिद के साथ भी ज़्यादती हुआ है खुद। तो जब इस तरीके के जुल्म होंगे तो हमें फ़ैसला तो करना पड़ेगा ना। पाकिस्तानी हुकूमत से क्या मुतालबा है आपका, चूँकि अब तो आप यहाँ पर हैं, आप पाकिस्तानी हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? चूँकि ज़ाहिर है पाकिस्तानी हुकूमत की आप नज़रों में तो हैं, जैसे हसनैन साहब ने कहा कि आप कहीं भी चले जाएँ, पाकिस्तान के किसी भी कोने में चले जाएँ, आप हमारी नज़रों में हैं, तो उनसे क्या मुतालबा करेंगे? मुतालबा तो यही करेंगे कि हमें अपनी पनाह में रखें आप, हमें अल्लाह के वास्ते हमें डिपोर्ट ना करें, वापस ना भेजें, किसी भी तरह हमें रखें। 25 करोड़ लोग आपके यहाँ पर रह रहे हैं, 2 लोगों के लिए और जगह रख लें। हम आपसे नौकरी नहीं मांग रहे, कहीं रिक्शा चला लेंगे, मुझे ड्राइविंग भी आती है, बाइक भी चलाई है मैंने, पंचर भी लगा लेता हूँ, इलेक्ट्रिशियन का काम भी आता है। अच्छा। काफ़ी काम आते हैं, अल्लाह का शुक्र है, जो मिल जाता है कर लेते हैं। वैसे मेरा जो प्रोफेशनल जो अपना जैसे ज़ाती जो काम है जो मैंने कंपनी में सीखा है वो मेरा इंटरनेट डिपार्टमेंट का काम है, मैं इंस्टॉलेशन डिपार्टमेंट का आदमी हूँ। बस यही मुतालबा है कि हमें अपनी पनाह में रख लें, और पाकिस्तान की आवाम से मोहब्बत की दरख्वास्त है, बस यही है। बहुत शुक्रिया जी हसनैन साहब, चूँकि पेशे से सहाफ़ी भी हैं, और ये जो इनके बेटे हैं, आपका जो नाम था वो इसहाक अमीर नाम है, ये दोनों बाप बेटे जो है वो इंडिया से दुबई और दुबई से फिर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से फिर ये पाकिस्तान है, और पाकिस्तान में अब ये कराची में मुकीम है, ईदी ओल्ड एज होम में रहते हैं, और अब इनका ये मुतालबा है पाकिस्तानी हुकूमत से कि जी जहाँ पर इतने सारे लोग रहते हैं तो वहाँ 2 लोगों की और भी जो है वो रख लें, चूँकि ये भारत नहीं जाना चाहते, और जितनी इनको वहाँ पर जो जुल्म सितम जो उनके साथ जो कुछ भी हुआ है वहाँ पर, ये वहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने मुतालबा किया जी सियासी असाइलम हमें दे दिया जाए ताकि हम पाकिस्तान में रहकर अपना रोज़गार भी चलाएँ और यहाँ पर जो है वो रिहाइश इख्तियार करें, और पाकिस्तानी हुकूमत से मुतालबा किया है कि लेकिन हमें भारत ना भेजें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अल्लाह ने के बाद।